बहुत ही सुगम व्यवस्था है यहाँ पर। चलने के लिए फुटपाथ बना हुआ है और ये गांधी मैदान बहुत ही मनोरम हरा भरा मैदान है, इसको हम पटना की शान बोल सकते हैं। इसके ठीक सामने उद्योग भवन है और इसके विपरीत में पीछे बिस्कोमान भवन है जो काफ़ी ऊंचा है, आपको नज़र आ रहा होगा बिस्कोमान भवन काफ़ी ऊंचा भवन है। ये सामने गांधी जी की प्रतिमा है, वो बहुत ऊंचा प्रतिमा है, बहुत ही भव्य प्रतिमा है, काफ़ी देखने में खूबसूरत लगता है। बहुत लोग यहाँ पर दूर दराज के लोग आते हैं देखने। पटना का गांधी मैदान गंगा नदी के किनारे है, मैदान बहुत ही भव्य मैदान है। यहाँ पर ही झंडा तोलन होती है, 15 अगस्त 26 जनवरी को यहाँ पर झंडा तोलन होती है। सामने ज्ञान भवन है जो आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा ज्ञान भवन है यहाँ पर। राष्ट्रपति गांधी की उनकी प्रतिमा काफ़ी अच्छा प्रतिमा है। ठीक सामने बिस्कोमान भवन, बहुत ही सुंदर मैदान है पटना का, सारे लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, बहुत ही अच्छा मैदान है। और यह मैदान हरानुमा है जो पार्क की तरह है, यहाँ बैठने का भी बेंच कुर्सी सबका व्यवस्था है। यहीं पर झंडा तोलन होती है 15 अगस्त 26 जनवरी को, बहुत ही अच्छा मैदान है, बहुत ही सुंदर मैदान है। गांधी जी की प्रतिमा तो और सुंदर लग रहा है। इस प्रतिमा को देखने के लिए भी बहुत दूर दराज के लोग आते हैं क्योंकि यह प्रतिमा बहुत विशाल है। बिहार में ऊंचा गांधी जी का इतने बड़ा प्रतिमा कहीं नहीं है। बहुत ही अच्छा है, बहुत लोग यहाँ पर क्रिकेट सब खेल रहे हैं, लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं। बच्चे लोग को खेलने के लिए भी अच्छा व्यवस्था है इस गांधी मैदान में, कितना साफ सुथरा यह जगह है, हरा भरा यह जगह है। देखिए बिस्कोमान भवन कितना भव्य नज़र आ रहा है, बहुत ऊंचा इमारत है यह बिस्कोमान भवन। इस सामने गांधी जी का प्रतिमा आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जैसे जैसे नज़दीक आ रहा हूँ वैसे वैसे प्रतिमा अच्छा दिख रहा है। अंग्रेज के ज़माने में गांधी जी यहाँ पर आकर के भाषण दिए होंगे, इस चलते इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। बहुत ही अच्छा जगह है यह, अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आवे तो इस पंकज मिश्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।